हेलो एंड वेलकम टू पीसीबी ट्रैक क्लासेस क्लास 12 केमिस्ट्री। आज का चैप्टर है सॉल्यूशन और टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसा कि हम प्रीवियस कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। तो ऐसी कंडीशन में यहां हम राउल्ट का लॉ अप्लाई करेंगे और वही जो हमने पहले डिराइव किया हुआ है यहां भी हम देखेंगे कि पी इज टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आगे जाने पे पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए आएगा इक्वेशन वन प्योर स्टेट के लिए लिखने पे, जहां एक्स नॉट ए को हम वन लेते हैं पी नॉट ए इज इक्वल टू के आएगा और इक्वेशन वन में के प्लेस पे हम फिर पी नॉट ए लिखेंगे जहां आएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये हम राउट के लॉ में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शन में कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन फॉर अ सॉल्यूशन। तो दो अगर कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन होगा और अगर हम एक्स बी कैलकुलेट करना चाहें या एक्स ए तो एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए इंटू वन पी नॉट ए आएगा, इससे करेंगे तो माइनस पी नॉट ए एक्स बी आएगा। अब हम इस माइनस पी नॉट ए एक्स बी को साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो माइनस का प्लस पी नॉट ए एक्स बी आ जाएगा। ये पी ए प्लस में है, इधर आके पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। अब यहां हम एक्स बी को छोड़ देंगे और पी नॉट ए को ट्रांसफर करेंगे, यहां गुणा में या मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो डिविजन में आ जाएगा। आप देखिए एक्स बी इज इक्वल टू आपको मिला पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है माइनस पी ए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। दोनों के डिफरेंस को हम डेल पी से डिनोट कर सकते हैं अपॉन पी नॉट ए। यहां ये बात ध्यान रखनी है कि पी नॉट ए माइनस पी ए, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा माइनस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी। जबकि अगर उसमें हम डिवाइड कर दें पी नॉट ए का तो यही कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस आधार पे हमारा एक स्टेटमेंट बनता है जो ये कहता है कि स्थिर दाब पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब इसी इक्वेशन का यूज करके अगर हमको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक स्टेटमेंट है कि चूंकि राउल्ट का लॉ एप्लीकेबल है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, राउल्ट का लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, और जब सॉल्यूशन बहुत तनु या डाइल्यूट होता है तो उसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, यानी एन बी इज मच लेस देन एन ए। यहां हम एन बी को एन ए की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, तो एन ए प्लस एन बी नगण्य है इसलिए ये टोटल एन ए के बराबर होगा। आगे देखने पे यही मान हम आगे लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्योंकि ये नीचे है इसलिए ये फ्लिप हो जाएगा और एम ए अपॉन डब्ल्यू ए आएगा।
अब अगर हमको एमबी यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो ट्रांसफर करने का हमारा इक्वेशन मिलेगा एमबी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एमबी इंटू एम ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी ए। हमारा अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर वन थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो अभी अभी हमने पढ़ा, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले कि हम ये जाने, सबसे पहले जानना चाहिए परासरण या ऑस्मोसिस क्या है। डेली लाइफ में हम सब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, ऐसी घटनाएं देखते हैं जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक किशमिश को पानी में डाल दिया जाए तो किशमिश फूल जाता है। किशमिश फूल इसलिए जाता है क्योंकि बाहर का पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसी को ध्यान से देखें कि बाहर पानी है, अंदर किशमिश के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम अर्धपारगमी झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मान सकते हैं। बाहर पानी है और किशमिश के अंदर जेली जैसा गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, तो किशमिश के अंदर सांद्र विलयन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बाहर जल है यानी वो तनु सॉल्यूशन है, इससे डाइल्यूट तो कुछ हो नहीं सकता प्योर वाटर से। सांद्र विलयन के लिए अब हम इसके डेफिनेशन तैयार करते हैं। तो हमारा पानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि किसी विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगमी झिल्ली को पार करके गति करना, गमन करना परासरण कहलाता है। इंग्लिश में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। सांद्र विलयन का मतलब है यहां सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, विलायक ज्यादा है, यानी विलायक की मात्रा अधिक है। जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है यहां विलायक की मात्रा अधिक है, विलेय कम है। ठीक है, तो अब हम विलायक के आधार पर देखें तो जहां विलायक ज्यादा है वहां से जहां विलायक कम है उस ओर विलयन जा रहा है। तो दूसरी परिभाषा होती है विलायक के अणुओं का विलायक की अधिक सांद्रता से, यहां विलयन शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, यहां हम लिखेंगे विलायक की अधिक सांद्रता से विलायक की कम सांद्रता की ओर अर्धपारगमी झिल्ली से होकर गति करना परासरण कहलाता है। अर्थात द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसी से हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम को ध्यान से देखिए। डायग्राम में एक कंटेनर में एक ओर शुद्ध विलायक या प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी ओर अवास्थशील विलेयुक्त विलयन या सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बीच में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ऑस्मोसिस की घटना होगी, परासरण की घटना होगी और विलायक के अणु शुद्ध विलायक से अवास्थशील विलेयुक्त विलयन की ओर आना शुरू करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से राइट की ओर आना शुरू करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स गति कर रहे होंगे तो स्वाभाविक तौर पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से टकराएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो इससे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे एक दबाव या एक तनाव बनता है। इसी को हम कहते हैं परासरण दाब। सरल शब्दों में कहें तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण की घटना के दौरान विलायक के अणुओं द्वारा अर्धपारगमी झिल्ली पर आरोपित दाब परासरण दाब कहलाता है। इसकी तीन वर्किंग डेफिनेशन है, ये बहुत जनरल डेफिनेशन है, एग्जाम में लिखने के लिए जो डेफिनेशन हैं, तीन डेफिनेशन हैं।
तीन डेफिनेशन में दो तो यही हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले शब्द से हम चलें अगर, तो हिंदी में कहा जाता है कि वह साम्य तरल स्थैतिक दाब जो किसी विलयन को शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यानी कि द लिक्विड स्टैटिक प्रेशर विच इज जनरेटेड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस विलयन को शुद्ध विलायक या प्योर सॉल्वेंट से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर दिया है, तब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर परासरण के दौरान बनता है उसी को कहते हैं परासरण दाब, पहली डेफिनेशन। दूसरी, अगर हम इस सेमी परमिएबल इस अवास्पशील विलेय युक्त विलयन की ओर एक पिस्टन लगाएं और उस पिस्टन पे प्रेशर लगाएं, तो होगा ये कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जिस स्पीड से अंदर आ रहे हैं उनका आना डिफिकल्ट होता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे उनका आना और कठिन और डिफिकल्ट होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका आना रुक जाएगा। तो ये जो आपने बाहर से प्रेशर लगाया ये भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि जब किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे उसे परासरण दाब कहा जाता है। When a solution is separated from its pure solvent by a semi-permeable membrane, the external pressure applied on solvent on solution so that the process of osmosis stops is equal to osmotic pressure. तीसरी परिभाषा वाष्प दाब से रिलेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवास्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, तो ऐसे में अवास्पशील विलेय युक्त विलयन के ऊपर कितना और प्रेशर लगा दिया जाए कि उसका भी वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, यानी कितना एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जाए जिससे उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो जाए, ये भी कहलाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की तीन डेफिनेशन ये हुई। अब इस परासरण दाब की गणना हम दिए गए सूत्र से करते हैं, जो सूत्र आदर्श गैस या आइडियल गैस इक्वेशन का है, पाई इज इक्वल टू सी पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, उसी से बना हुआ है। पी की जगह यहां पाई रख दिया गया है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी जो है वो मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर लीटर एनबी अपॉन वी आर टी से शो कर सकते हैं। एनबी के लिए हम डब्ल्यू बी अपॉन एमबी लिख सकते हैं और इस तरह से अणुभार या मॉलिक्यूलर मास की भी गणना की जा सकती है। एक बात यहां ध्यान देने की है कि यहां जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिया जाना चाहिए वो हमेशा लीटर में लिया जाना चाहिए। अगर आप मिलीलीटर में लेना चाहते हैं तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। आर की वैल्यू यहां एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल है, जो कि है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। अब हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशन कितने टाइप। परासरण दाब के आधार पर विलयन या सॉल्यूशन को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अति परासरी हाइपरटोनिक, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जैसे शक्कर की चाशनी, नमक का संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, और चाशनी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मिठाइयों में, उनका परासरण दाब बहुत ज्यादा होता है और इनकी कॉन्सेंट्रेशन इनकी सांद्रता भी बहुत अधिक होती है। दूसरा है अल्प परासरी, नाम से जाहिर है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब ऐसा विलयन जिसमें परासरण दाब कम होता है,
ठीक है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सुगर, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। जैसे अगर हम देखें तो जब अंगूर को कॉन्सेंट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट या चाशनी में डाला जाता है तो वो पिचक जाता है। यहां अंगूर के भीतर का सॉल्यूशन अल्प पराशरी या हाइपोटोनिक है, ये कंपैरेटिव है यानी तुलनात्मक। तीसरा है समपराशरी, जब दो विलयनों के परासरण दाब बराबर हो जाते हैं तो उसको हम समपराशरी या आइसोटोनिक कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन के लिए पाई वन यानी सॉल्यूशन वन का परासरण दाब सॉल्यूशन टू के परासरण दाब के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, इसलिए फॉर्मूला रखने पे C1RT = C2RT, RTRT कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा C1 = C2। C1 को यहां हम W1 upon M1 into V1 = W2 upon M2 into V2 लिखेंगे। फॉर्मूले में वॉल्यूम जरूर यूज कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन अलग तरीके से दिए होते हैं तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होता है। ये दो टॉपिक हमने आज कवर किए। अगले दो टॉपिक जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन है, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।